आज मैं बनाने जा रही हूँ ठेकुआ, जो कि यूपी की बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। इसे बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, 1 कप आटा लिया है, आधा कप नारियल पाउडर लिया है, आधा कप गुड़ लिया है, 2 चम्मच घी लिया है और आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसे बनाने के लिए। सबसे पहले गुड़ का सिरप तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1/3 कप पानी लिया है और इसमें गुड़ को डाल देंगे और इसका सिरप तैयार करेंगे। मैंने जिस कप से आटा लिया था उसी कप से गुड़ और पानी का मेज़रमेंट लिया है, तो इसे आप सेम रखें। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से मेज़रमेंट करें। आटा लेंगे और इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। गुड़ का सिरप ठंडा हो गया, अब इसे छान लेंगे ताकि अगर गुड़ में छोटे छोटे स्टोन हो तो वो अलग हट जाए। सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिला देंगे। इसमें घी यूज़ किया है। घी डालने से इसका मोहिन बहुत अच्छा बनता है और ठेकुआ में खस्तापन आता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मोइन जब आटे में अच्छे से मिल जाता है तो इस तरह से आटा बनने लगता है। अगर आप मुट्ठी से उसे दबाएंगे तो आटा एक जगह बहुत ही आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके गुड़ के सिरप को इसमें डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। इसे रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा सा हार्ड बनेगा। और इसे बनाने के लिए गुड़ का कम यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जिस कप से आटा नापा था उसी कप से गुड़ और पानी का मेज़रमेंट किया है, तो सेम रखें आप मेज़रमेंट, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसका डो बन के तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा आटा हाथ में लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। इसमें थोड़े से क्रैक्स दिख रहे हैं, इसे अब थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। अगर आपको आटा बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो इसमें थोड़ा सा आप दूध मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, 1 या 2 चम्मच डालें। थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे और इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे। ये थोड़ा सा मोटा बनता है, इस तरह से हाथ से दबा देंगे। इसके बाद इसमें डिज़ाइन डाल देंगे। इसके लिए मैंने इस छन्नी का यूज़ किया है, ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। ट्रेडिशनली जब यूपी में इस डिश को बनाया जाता है तो इसमें कई तरह की डिज़ाइनें डाली जाती हैं। उनके पास लकड़ी की डिज़ाइनें होती हैं जिसे इसे बनाते वक्त वो यूज़ करते हैं। मेरे पास फ़िलहाल वो नहीं थी तो मैंने इस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाई है। आप भी चाहें तो इस तरह डिज़ाइन डालें, या बिना डिज़ाइन के बनाएंगे तो खाने में वो उतनी ही टेस्ट लगेगी। बस डिज़ाइन डालने से होता है, ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बनाया है। इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। छोटा सा आटे का टुकड़ा लेंगे और चेक करेंगे ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम को लो कर देंगे और जो ठेकुआ बनाए हैं उसे एक एक करके ऑयल में डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चम्मच से इस तरह से हिला देंगे इसे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। वैसे तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो ये चिपकेगा नहीं।
एक तरफ से सिक गया है, इसे पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये फ्लेम को लो इसलिए रखना है क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा मोटा बनाया है, अगर लो फ्लेम पर इसे बनाएंगे तो ये अंदर से अच्छे से सिक जाएगा, इसलिए फ्लेम को यहाँ लो रखा है। सभी को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद जब इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे उस समय ये सॉफ्ट रहेगा, और जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा इसका टेक्सचर चेंज होने लगेगा और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्राई करते वक्त फ्लेम को लो रखें और मेज़रमेंट जो बताया है उस हिसाब से आप बनाएं। ये डिश बन के तैयार हो गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।